नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। रोम रोम में शिव है जिनके विश्व ही पिया करते हैं, दुख दर्द जला क्या पाएगा जो अंगारों से सजते हैं। रोम रोम में शिव है जिनके विश्व ही पिया करते हैं, दुख दर्द जला क्या पाएगा जो अंगारों से सजते हैं। सागर मंथन का गरल पान दीपों को अमृत सा दिया, सोने की नगरी रावण को खुद पर्वत पर्वत वास किया। रोम रोम में शिव है के विश्व ही पिया करते हैं, दुख दर्द जला क्या पाएगा जो अंगारों से सजते हैं। रोम रोम में शिव है जिनके सारे जग को वैभव देते, पर खुद वो भस्म रमाते हैं। वो महाकाल, वो शिव शंकर, वो भोलेनाथ कहते हैं। सच्ची निष्ठा के बलबूते शिव शंकर का अनुराग मिले, फिर उनका तांडव क्रुद्ध रूप भोले भाले शिव में बदले। रोम रोम में शिव है इनके विश्व ही पिया करती है, दुख दर्द जला क्या पाएगा जो अंगारों से सजती है। कुछ विधि का लिखा हुआ होता, कुछ निज कर्मों का फल होता। कुछ विधि का लिखा हुआ होता, कुछ निज कर्मों का फल होता। सब दुख भूलो शिव भक्त बनो, वो ही है सबके परम पिता। रोम रोम में शिव है जिनके विश्व ही पिया करते हैं, दुख दर्द जला क्या पाएगा जो अंगारों से सजते हैं। ओम नमः शिवाय। नमस्कार। आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में राम जानकी मंदिर में क्या क्या कार्यक्रम होने हैं? विगत वर्षों की तरह जो है इस साल भी शिवरात्रि का आयोजन किया जा रहा है। प्रथम दिन जो है संध्या शाम में बाबा का 4:30 से 5 बजे बारात प्रस्थान निकलेगी, और बारात प्रस्थान होने के बाद पुनः वापसी के बाद रात्रि में रुद्राभिषेक होगा, और रुद्राभिषेक के बाद जो है विश्व शांति हेतु रुद्राभिषेक होगा। और जितने भी लोग बारात में सम्मिलित होंगे अतिथिगण को भोग प्रसाद दिया जाता है, प्लस आप जान लें किसी की अगर शादी हो बाबा का और लोग बारात जाएंगे तो बारात लौटने के बाद तो आप लोग जानते हैं कि क्या क्या किया जाता है ना, तो वो भी प्रसाद वितरण किया जाएगा। प्लस
कल जो है 12 तारीख को अमावस्या आ जाती है। अमावस्या आ जाने के बाद हवन, प्रत्येक साल जिस तरह से कार्यक्रम होता है अमावस्या का हवन होगा, और 13 तारीख को जो है अखंड हरि कीर्तन, रामचरितमानस पाठ, जप है ना, विश्व शांति हेतु है ना अखंड हरि कीर्तन तथा भंडारा का बृहद आयोजन किया गया है। और नियमतः जिस प्रकार की प्रत्येक साल जब तक जो है हरि कीर्तन चलते रहता है तब तक भंडारा चलते रहता है, इसमें तमाम जो है भारतवर्ष के दूर दूर से लोग आकर के भाग लेते हैं और आनंद लेते हैं। आनंद लेने के बाद जो है हाँ सबों के साथ जो है हर्षित उल्लास के साथ अपना फिर पुनः पुनः जो जहाँ से आते हैं वो चले जाते हैं। शिवरात्रि त्यौहार की क्या मान्यता है? शिवरात्रि की मान्यता है देखिए कि त्रयोदशी चतुर्दशी का योग मिलने के बाद जो है ना महाशिवरात्रि बस आज नहीं, ये कम से कम सोचिए कि 250 वर्ष के बाद इस तरह का संयोग मिला है जो पूर्ण चतुर्दशी तिथि में जो है दिन से ही आगमन हो गया है। और भगवान की हर जगह देखिएगा भक्तगण, कभी कभी रुद्राभिषेक, जलाभिषेक हर तमाम मंदिरों में जो है भारतवर्ष में हो रहा है। उसी प्रकार हमारे राम जानकी सीता सीतारामपुर लोकुन रुद्राभिषेक के साथ जो है शिव विवाह की आयोजन किया गया है और बृहद पैमाने पर किया गया। इसलिए शिव भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? शिव भक्तों को यही संदेश देना चाहते कि भस्मादि रूपम शिव स्वरूपम, शिव का स्वरूप ही भस्म होता है। और तमाम भारतवासियों से, ग्रामीण वासियों से, शिल्पांचल वासियों से मैं अपील करता हूँ कि यह इतने मनमोहक देवता हैं कि थोड़ा सा अगर इनको प्यार मिल जाए तो तुरंत हृदय में ये वास कर जाते हैं और जितना विघ्न है सबों को हर लेते हैं। और मैं तो ये महाशिवरात्रि में भगवान शिव से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो कोविड आया हुआ है जिससे कि लोग त्रस्त हैं, भारतवर्ष त्रस्त है, एक एक व्यक्ति जो है उसके जीवा पर यह है कि बा कल क्या हो जाएगा, बच्चे लोग त्रस्त हैं, तो यही भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि भाई भारत से इसको इतना कोस दूर भगा दो जो पुनः इसकी हवा भारत में प्रवेश ना कर सके और लोग शिव शांति से अपने जीवन यापन कर सके। शिव आराधना से प्रत्येक वासियों की सर्व कष्ट का जो है विनाश हो जाता है। हाँ लिखे हुए हैं रामचरित मानस में लिखे हैं कि बंदे बोधमयं नित्यं गुरुर शंकर रूपिनो यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र बंद। भगवान शंकर जो है संपूर्ण प्राणियों के गुरु हैं, हर जीव के गुरु हैं, पशु पक्षी के गुरु हैं, चींटी के गुरु हैं, मानव के गुरु हैं, तमाम देवताओं के देवों में देव महादेव हैं। इनकी आराधना से जितना भी आपका निष्फल काम है, जो काम जीवन में नहीं हुआ है, वह सब परिपूर्ण हो जाता है। इनके नाम लेने से समूह पाप का नष्ट हो जाता है। और विशेष मैं क्या कहूँ, कहने का बहुत तरह की है। भोलेनाथ का तो बखान अगर दिन रात करते रहूँगा तो मैं समझता हूँ कि ये भी थोड़ा कम पड़ जाएगा, इसलिए आप लोगों से यह निवेदन करता हूँ, सभी प्राणियों को मैंने भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे शिल्पांचलवासी सुखीपूर्वक जीवन व्यतीत करें, शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें और हर्ष उल्लास के साथ अपना जीवन को आनंद में रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। हर 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 महादेव, हर हर।